नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया। इस वक्त आप देख रहे हैं रमजान की पहली तारीख है, खूब सारी मुबारकबाद आप सभी को। लेकिन आज ही के दिन हरियाणा का नाम बड़ा गूंज रहा है, इसलिए क्योंकि आज सुबह जो उठा पटक शुरू हुई ऐसा लगा मानो वो होने वाला है जिसकी कल्पना ना की गई, लेकिन बिल्कुल वही हुआ जिसकी कल्पना पॉलिटिकल पंडित कर रहे थे। 2021 में तीन अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीएम को बदला, कुछ वैसा ही मंजर हरियाणा में भी नजर आया। हरियाणा में मनोहर विदाई के बाद नायब को कमान जो मिल रही है, आज उस पर चर्चा करनी जरूरी है। सुबह 8 बजे अचानक हरियाणा से खबर आई, हर किसी को उसने चौंका दिया। खबर थी हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में फूट पड़ गई है। बात इतनी बड़ी कि सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे की खबर भी आ गई। इसके बाद दिल्ली से हरियाणा तक एकाएक हलचल तेज हो गई। दिल्ली से बीजेपी के अर्जुन मुंडा और तरुण चुग पर्यवेक्षक बनकर चंडीगढ़ पहुंचे और फिर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे पर मोहर लग भी गई और इस बैठक में खास ये रहा कि सभी निर्दलीय विधायक उसमें शामिल मौजूद थे। इसके बाद मनोहर लाल ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर एक बार बीजेपी विधायक दल और निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई और नायब सैनी के नाम पर वहां पर मोहर लग गई। बस अब कहा जा रहा है कुछ ही देर में शपथ ली जाएगी। पूरा घटनाक्रम कैसे बदला वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ये जान लीजिए कि नायब सैनी है कौन और हरियाणा की सियासत में कितना प्रभाव वो रखते हैं। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमें मालूम था यही वो वक्त होगा जब हरियाणा में जो नए मुखिया हैं वो शपथ लेंगे और उनके साथ हो सकता है कुछ मंत्री जो हैं वो भी शपथ ले। और इस वक्त देखिए ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी अब से कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ये सांसद हैं, ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 8% सैनी वोट का जो प्रतिनिधित्व है वो कोई और नहीं, वो नायब सैनी करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। 2014 में नारायणगढ़ से ये विधायक भी बने थे और ऐसा पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी ने बीच कार्यकाल में अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया हो। अब तस्वीरें देखिए आप, 2021 ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में क्या किया था, विजय रूपानी की जगह भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद क्या हुआ, 2022 में फिर से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीत गई। 2021 में ही उत्तराखंड में देखिए क्या हुआ, बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को हटाया और पुष्कर धामी को सीएम बनाया। 2022 के चुनावों में क्या हुआ, बीजेपी फिर से चुनाव जीत गई। 2021 में कर्नाटक में ये फॉर्मूला वैसे नहीं चल पाया, बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2023 में कर्नाटक में चुनाव हुआ और बीजेपी हार गई। लेकिन ये फॉर्मूला त्रिपुरा में काम आया। 2022 में त्रिपुरा में बीजेपी ने बिप्लव देव को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया। 2023 में बीजेपी फिर इलेक्शन जीती और अब आप देखिए जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 2024 हरियाणा में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर लाल की जगह अब नायब सैनी जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हरियाणा में मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद इसी साल मत भूलिए विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो आज हरियाणा में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की स्थिति क्यों बनी है ये भी तो समझिए। ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में 4.5 साल से जो ये दोनों की यारी दोस्ती चल रही थी, बीजेपी और जेजेपी की, वो टूट गई। हमारे सूत्र बताते हैं कि गठबंधन में गांठ तब पड़ी जब बीजेपी और जेजेपी ने लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की कोशिश की और वो हो नहीं पाया। क्या हुआ, खबर यह है कि बीजेपी और जेजेपी दोनों जो हैं सीट शेयर करना चाहते थे। 10 लोकसभा में से 2 सीटें जेजेपी मांग रही थी लेकिन बीजेपी ये करने को राजी नहीं थी। ऐसा क्यों, एक भी सीट बड़ी मुश्किल से देने को मानी, गठबंधन इसीलिए टूट गया। ऐसा क्यों, क्योंकि 10 की 10 सीटें हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों में जीती थी। दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि ऐसा है मेरी बीजेपी आलाकमान से बात कराओ, मुलाकात कराओ, मैं वक्त चाहता हूं ताकि मैं यहां की सेंसिटिविटी को समझा सकूं, एंटी इनकम्बेंसी को समझा सकूं, लेकिन उन्हें वक्त मिला नहीं है। अब सवाल यह है कि बीजेपी जेजेपी को
दो सीट देना क्यों नहीं चाहती है, एक आंकड़े के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। 2019 लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने अकेले अपने दम पर जीती थी और उसे वोट परसेंट कितना मिला था, 58% वोट उसे मिला था। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी 28%। जेजेपी और आम आदमी पार्टी उस वक्त साथ लड़े थे, उनके खाते में 5% आया था और IRLD के खाते में 2% आया था। तो ये जो वोट परसेंटेज है ना, ये सबसे बड़ा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए हथियार है और वो इसे किसी कीमत पर कम नहीं होने देना चाहती है, या इनफैक्ट इसे और बढ़ाना ही चाहती है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 8 ऐसी सीटें रही जहां पर बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि फरीदाबाद और करनाल सीट की अगर मैं बात बताऊं तो वहां तो जीत का अंतर जो है वो 6 लाख से ज्यादा चला गया था। अब गठबंधन से जेजेपी के अलग होने के बाद 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के समीकरण 2 तस्वीरों के जरिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। पूरा आंकड़ा नहीं समझाऊंगी, 2 तस्वीरों से आप समझ लीजिए। बीजेपी 41, जेजेपी 10, ये पहले की स्थिति थी, ठीक है। जेजेपी 10, निर्दलीय 6, HLP 1, कुल मिलाकर 58 होता है। लेकिन आज की तस्वीर आप देखिए, जेजेपी के बना 48, 90 जो है, यानी 90 जो है वो हरियाणा के विधानसभा सीटें, और बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए आपको 46, 2 ज्यादा है। यानी आज भी कंफर्टेबल स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन अभी पेच फंसा हुआ है। क्या पेच फंसा हुआ है? कहा यह जा रहा है कि कुछ जेजेपी के जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और इसीलिए उन 10 विधायकों वाली जेजेपी में फूट के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, तो चलिए नाराज भी जो चल रहे हैं, ये टूटी अगर तो बीजेपी 41, जेजेपी के 5 उसके पास आ जाएंगे, निर्दलीय 6 है ही, HLP के 1, ये दोनों साथ ही रहने वाले हैं। ये आज जब बैठक हुई थी तब ये दोनों साथ ही थे, यानी 6 विधायक वहां पर मौजूद थे, तो बीजेपी कंफर्टेबल इस मामले में। तो कुल मिलाकर 53, 46 से बहुत आगे चल रहा है मामला। अगर मान लीजिए, और विपक्ष की स्थिति वो आपके सामने है, कांग्रेस के साथ जेजेपी चली जाएगी, लेकिन जेजेपी अपने 10 के साथ नहीं जा रही। अभी सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि 5 ऐसे हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अब मैं हरियाणा के जातिगत समीकरण के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि नायब सैनी अचानक क्यों मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत गणित है, अरिथमेटिक है। जाट कितने हैं? सबसे ज्यादा जाट है हरियाणा में और वो है 22%। 40 सीटों पर असर है, 90 में से 40 सीटों पर ये जाट 22% असर डालते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है दलित का, दलित 21% है, यानी सबसे बड़ा वोट बैंक दलित भी है। हरियाणा में 17 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो कि आरक्षित है और 2014 से पहले तो कांग्रेस या फिर INLD जो है वो इन 17 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाए रखती थी, लेकिन फिर क्या हुआ, 2014 में बीजेपी ने इन 17 में से 9 सीटें जो है जीत ली। यानी वोट बैंक उसने तोड़ने की कोशिश की और उसे यहाँ पर कामयाबी मिली। 2019 में उसे 5 सीटें मिली थी महज, 2014 में जो 9 सीटें हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की इन 17 में से, वो महज 5 बस बची। सैनी समुदाय, नायब सैनी जहां से आते हैं उसका परसेंट है 8। कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में, अम्बाला में, हिसार में, रेवाड़ी में सैनी समुदाय बहुत अच्छी खासी तादाद में है। पंजाबी वोट बैंक भी 8% है, मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो उसी समुदाय से आते हैं और इस वोट बैंक का असर आप ऐसे समझिए कि 90 में से 25 सीटों पर पड़ता है। हरियाणा में ब्राह्मण वोट जो है वो 7.5% है, अहीर वैश्य 5.5% है, गुजर 3.2% है, जाट सिख, ये बाकी सारी कम्युनिटी आपके सामने है, मेव और मुस्लिम जो है, बाकी अन्य जातियां वो आपके सामने है, 8% अन्य जाति, मेव और मुस्लिम जो है वो 4% है। यही वजह है कि 22% आबादी के चलते हरियाणा की राजनीति में जाटों का दबदबा, हरियाणा में 33 साल जाट मुख्यमंत्री रहा, अलग अलग मुख्यमंत्री रहे, जबकि 24 वर्ष गैर जाट CM बने। और इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा की कास्ट पॉलिटिक्स में बीजेपी ने उन वोट बैंक के बीच जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है जो परंपरागत तौर पर कभी उसके हुआ नहीं करते थे। बीजेपी ने ही 2014 में जब गैर जाट CM बनाया तब हर कोई चौंक गया था, मनोहर लाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, फिर 2019 में उनको दोहराया, लेकिन आज
क्या वजह है कि 2024 में बीजेपी एक सैनी समुदाय से सीएम बनाकर मैसेज देने की कोशिश कर रही है, और वो कौन सा मैसेज?